नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय के बारे में बताऊंगी। आइए सुनते हैं। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस महिषासुर एवं उसकी सेना का देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करें, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्य के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वाले के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य के यहाँ लज्जा स्वरूपिणी हैं। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतन्य रूप को असुरों का क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अनेक हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हों, आप ऐसा महाव्रत हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी जी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा मनोहर उद्गृत के पदों के पाठ से युक्त सामदेव का आप निधान हो, वेदयत्री देवी हो, छह गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेघा हो, दुर्गम संसार द्वारा सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, कैटब दैत्य के शत्रु विष्णु के वट स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। आप चंद्रमा के मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब के अनुसरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इसी प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते ही चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौं अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हो वो सभी देशों का आदर पाते हैं, उन्हें ही धन्य तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आपकी कृपा के द्वारा पुण्य पुरुष
सभी धर्म संबंधित कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण का लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है? सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया जिससे कि मुझसे मरे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आपने पापियों का वध किया। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कोई कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोक में पहुँचें। इस प्रकार आपके ये विचार रहते हैं। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला है और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के लिए भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया है और वहां से हमारा भय भी दूर कर दिया है, जो कि दानों हमको डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार हो। हे देवी, हमारी सूल से रक्षा करें। हे अंबिका, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द द्वारा तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिका, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन के उत्पन्न हुए फूलों द्वारा तथा गंध चंदन आदि से जगत माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूप द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहते हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्थितियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त ऋषि वैभव दीजिए। हे अंबिका, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार के वर मांगे तब उन्होंने तथास्तु कहा और तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी देवताओं के शरीर जैसे प्रकट हुआ वह सारी कथा मैंने आपको कह सुनाई। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।